अल्लाह रहमान रहीम 1965 के गुमनाम सिपाहियों मुसीकारों सूरत अल फतह का नक्श काटने वाली माओं बेटियों और बहनों को सलाम। अगर कोई ऐसा पैमाना होता जिससे ये परखा जा सकता कि हराम मुसीकी ने हलाल जंग में क्या हिस्सा डाला तो शायद हम दांतों में उंगलियां दबाए खड़े होते। सिर्फ 17 दिनों में 23 लाजवाल जंगी तराने तख्लीक हुए, ऐसी शायरी कि आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अनायत हुसैन भट्टी जब अपने घर नगमे की धुन तैयार कर रहे थे तो एक मौलाना जो उनका हमसाया था कानों को हाथ लगाते कहता फिर रहा था, तौबा तौबा, मुल्क में जंग शुरू है और मरासियों को तबले बजाने की पड़ी हुई है। इसी मरासी ने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई दिफा फंड में जमा करवा दी और पास रखा तो सिर्फ 250 रुपये रखे, और उससे भी उसने क्या बनाया कि अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, अहमद मुजाहद जाग जरा अब वक्त शहादत है आया। ये जंगी तराने जो आज भी महाज के जवानों के लिए स्टीरॉयड का काम करते हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, और तारीख गवाह है इन नगमों ने वो समा बांधा, बहादुरी और कुर्बानियों के वो मंजर दिखाए कि दुनिया भी हैरान थी। अब दुश्मन ने हमें फिर से अपनी तारीख दोहराने का मौका दिया है। सुनो ये वही हैं, कब करना है, कैसे करना है, बस इंतज़ार है हुक्म इलाही का। हम अब भी अपनी कौम को मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह।